पाकिस्तानी वीजा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ये आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार कुछ करते हैं, यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक है खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये चीजें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक है उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, हजार लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या, प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को, सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खो रहे हैं, हर कोई बोलेगा, पर ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान की इवन बांग्लादेश की बात कीजिए, हमारे पास $3-4 बिलियन ऑलमोस्ट मौजूद हैं जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं, और इसके अलावा इंडिया की बात करें अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियन की अगर बात करें बिलियन डॉलर की बात करें वो मौजूद हैं, 650 की कोई बात करता है कोई 600+ बिलियन की बात करता है, इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है, ठीक है, जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है, ठीक है, लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार जितनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है, अच्छा तो करें कैसे, जुगाड़ कैसे, 50-60 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में, एक महीने में एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो अगर जाहिर सी बात है एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या पिलाएगा क्या, तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूं, करप्शन की यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की जरूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा, ज्यादातर जो माइंड सेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फीस होती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है खासतौर पर पोलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है? फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे, ठीक है, इधर भी है वैसे सेट है 25,000, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ $25-30 पर आवर है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50,000 कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए, मतलब कोई बार सेट ही नहीं है ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं, कुछ फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़ ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है, वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी, बाकी कंट्रीज़ में चलो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है, उधर इतना करप्शन नहीं जितना हमारा है, उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है, पर वो रूरल में उन्होंने अपने सिस्टम को खासतौर पे जो मेन सिस्टम है मेन सिटीज हैं डिजिटलाइज कर दिया, उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है, आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जो आपके ऑफिशियल ऑफिस हैं वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं, यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम नहीं है,
यहाँ पे आप जाओ नादरा में, आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको, ऊपर साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो, 3 दिन में काम करके दूंगा। ठीक है, नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी, ऑलमोस्ट इवन इंडिया में भी करप्शन होगी, पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन करप्शन का लेवल क्या है ये चीज़ नोट करने की जरूरत है। बड़ी चीज़ ये नोट करने की जरूरत है, आप करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे ये एक आपका इंटरनल मैटर है हर कंट्री का, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कर रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करें या आपसे अगर पूछूँ, आपका नाम क्या था? सॉरी, सुमित। आप भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी जो खबर आ रही है कि $6 बिलियन की जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते। जैसे कोई बंदा अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ, पूरा तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है उनका, डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान को, कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पे आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के। डर्टीएस्ट सिटी, हाँ, मतलब इसके कचरे के हवाले से, वर्स्ट सिटी जो आती है, ठीक है। आप देख लें हर जगह कचरा ही कचरा, हम इसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स तो आप सुबह को रात को जला दे सारी लाइट, सिटी ऑफ लाइट्स बन गई, ठीक है। ऐसे कोई मुकाम किसी को नहीं दे सकते ना, सिटी देखी जाती है जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ आपके आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़े, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें, ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपके मोबाइल की रफ्तारी करनी है, ऐसे ही है आपको अपने पैसे बचाने। आपने अपने कंट्री के लिए क्या सोचना है जब आपका एक हाथ वैसे ही पॉकेट के ऊपर होता है कि कहीं मोबाइल ना निकल जाए, तो आपने वो कंट्री का बंदा सोचेगा, वो सोचेगा अगर मैं यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कमाऊँ, चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूँ, बच्चे को करूँ, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है, कल उन्होंने मार दिया, से हम माइनॉरिटीज हैं, बहुत सीन हो रहा है, सबको पता है यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज के साथ जुलम हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम के साथ जुलम हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। तो अच्छा, नहीं अभी एक यहाँ पे मंदिर की खबर सुनी थी जिसको हम कवर करने आए थे, यहाँ पे श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया, और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें मतलब, अच्छा इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, वो ज़्यादा है। जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा, वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 के बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकल नहीं, ये कौन, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब माइनॉरिटीज हैं और खासतौर पे इंटीरियर सिंध से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफर हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो उनसे 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए गम वो कर रही है ना पुलिस, तो के आप 6 के बाद नहीं निकले, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर है? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, ऐसे खराब हो जाएगा ना, ठीक है, बाकी सब इंसान ही है, ऐसे हम सब इंसान ही आपस में, कोई अभी नाम देने गलत बात है, ऐसे ही है, नाम लेना एक तो गलत बात भी है, दूसरे नंबर पे नाम लेके इश्यूज भी हो जाते हैं, इस वजह से नाम ना लिया जाए तो वो ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये देखें, ये एक एजुकेटेड जो पाकिस्तान की यूथ है, माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनकी ये सोच है, और शायद बाहर जाने की रीज़न भी तो यही नहीं कि बाहर जाके सेट हो, ईमानदारी से बताइएगा। जाहिर सी बात है, अब फ्री लैंग्वेज में बोला जाए तो ईजी हो के बिल्कुल, बंदा कचरे से निकल के वापस कचरे में नहीं आता, यही सोच होती है सबकी, अगर बाहर जाएंगे कमाएंगे, अच्छा खासा एजुकेशन मिलेगी, अच्छी तरीके से कमाएंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, अगर रहा तो माँ बाप को भी वहाँ बुलवा लेंगे, सबकी यही ख्वाहिश होती है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, बट प्रैक्टिकली कौन क्या, प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को, सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खो रहे हैं, हर कोई बोलेगा, बट ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। यही बात है कि मतलब हम यहाँ पे, मैं ये बात पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट नारा भी लगाना अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नारा लगाने से क्या होता है? हम मैंने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया बेहतरी के लिए, ये मुझे खुद से पूछना है, हमारे पॉलिटिशियन जो ये नारे लगवाते हैं उन्हें ये पूछना है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। बांग्लादेश हमारे से यही लैदा हुआ, कितना टाइम बाद 1971 में वो एक कंट्री बना, आज उनके अगर फॉरेक्स
टैक्स रिजर्व की बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा नहीं, कई गुना ज़्यादा हैं, $50 बिलियन से ज़्यादा हैं एटलीस्ट। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। आप क्या कहेंगे इनकी बातें सुन के? तो मैं एक दफ़ा ज़रा हैरान हुआ हूँ कि मतलब जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाऊँगा। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? मेरा भी बिल्कुल सेम ही मतलब कहना है, क्योंकि मैं भी असल में इटली इसी वजह से जा रहा हूँ, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ फ्यूचर यहाँ पे दिख नहीं रहा। जैसे मुल्क भी डूबता जा रहा है, इकोनॉमी भी जैसे गिरती जा रही है हमारी, एयरपोर्ट्स तक हमने बेच दिए अपने, एयरपोर्ट्स भी कतर को मेरे ख्याल से तीनों एयरपोर्ट्स, यूएई को जो है अगर पोर्ट्स की बात करें सऊदीया और यूएई को जो है हमने वो लीज पे गिरवी रख, मतलब मुल्क जब अपना ही मतलब कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग रह के क्या करें यहां? एक सवालिया निशान है कि मतलब पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जो उनसे जो बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। ऑफिशियली अगर बात करें उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कोई चाइना कर रहा है, कोई सऊदीया कर रहा है, कोई यूएई कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और पाकिस्तान का क्या फ़र्क है, क्या अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस की वजह से जा रहे हैं, किस वजह? कोई तो रीज़न होती है ना। इवन बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी आपने सोचा होगा ऐसा? वेल, जहाँ तक मैंने सुना है, ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, अभी शिफ्ट इनको, मतलब आप कब आए वहाँ से? 2018 में। लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी अगर बात करें, वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे, तो मुझे ये बताएं वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है, कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6th या 7th क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6th या 7th, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग में ऐसी बात है। सेकंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी, वो मेरे दोस्त बोल रहे ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आधी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी, मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है वहाँ का है, क्या सीन है? वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा, पापा पाकिस्तानी, तो उनके बेसिस पर लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में, और मैं 8 क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 6th 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। यानी वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से, कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या है। आप क्या कह रहे थे? वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है, लाइक आप बचपन से आप अपने सब्जेक्ट चूज सकते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स में, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट को ले लें, कहीं कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ AO लेवल को मिलता है ये प्रिविलेज। बिल्कुल ऐसे हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हम ना वर्ल्ड एथिक्स चूज कर सकते हैं, ना वर्ल्ड पॉपुलेशन चूज करते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस चूज नहीं कर सकते, आप फिलोसफी चूज नहीं कर सकते, सोशियोलॉजी चूज नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें आपको इंसान बनने की तमीज़ देती हैं। बिल्कुल, सबसे एजुकेशन का मकसद ये है कि सबसे पहले आप इंसान बनो, खुद को इंसान समझो, ना के हिंदू, ना के मुस्लिम, ना के क्रिश्चियन, ना के सिख। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस्लामियात की बात करें, नो डाउट मुसलमानों के लिए वो कंपल्सरी है, होनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को अगर देखा जाए बहुत से ऐसे स्कूल हैं, क्या आपको हिंदुओं के हवाले से कोई बुक्स पाकिस्तान के सिस्टम में है जो पढ़ाई जाए? जैसे हमारे लिए कंपलसरी है इस्लामियात, तो आपके लिए भी तो बेसिक, लाइक जो मेरे कॉलेज में था ना, नहीं स्कूल कॉलेज में तो मेरे चले, स्कूल में भी आई वाज दी ओनली गाय इन माय क्लास टू स्टडी एथिक्स। अच्छा, मतलब इस्लामियात नहीं थी, इस्लामियात थी पर वो कह रहे थे अगर तुम्हें लेनी है तो लो, टीचर नहीं है हमारे पास। अच्छा, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेगी। बुक्स थी, बुक्स में रेलेवेंट नहीं है, बुक्स में आपको एथिक्स डजंट मीन ए रिलीजियस
सब्जेक्ट, इट्स एन मतलब इट्स मैनर्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, राइट्स वगैरह, ऐसे रिलीजियस हवाले से। अगर मैं जैसे हम इस्लामियत पढ़ सकते हैं, आप हिंदुइज्म के हवाले से कोई बुक नहीं? बुक नहीं है वैसे, आपको अलग से एक छोटे से कम्युनिटी है, जैसे उनके अपने स्कूल्स होते हैं छोटे से, आप जहाँ रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइक एवरी मंदिर हैज इट ओन स्कूल। ठीक है, उन्होंने जो चीज़ एक्सप्लेन की है, लेकिन उसे मैं डिटेल से ये बता सकता हूँ कि स्कूल में यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस में ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई मंदिर में जाके या आपका कोई अपना कोई एक इस तरीके से अगर इंस्टीट्यूट है कम्युनिटी में जाके आप पढ़ते हैं, वो तो एक अलहदा चीज़ आती है। मुझे बताइएगा आप, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया, ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीज़न अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीज़न हैं। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमें पूरी पूरी रात। अच्छा। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज भी पूरी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमजान में अफतारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं, इवन पार्ट ईद पे हिंदू जो उनसे मुसलमान की दावत पे जा रहे हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से अथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। अच्छा। और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है, मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं, सच नहीं देखा। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनोरिटीज़ हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं आपने बताया, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं, वही चीज़ भी मुझे भी बिल्कुल वैसे ही सेम फील हो रहा है, कोई फर्क कुछ दिख रही नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन इन्होंने बोला 6 बजे के बाद हम लोग बाहर रहेंगे, इंटीरियर में उनको कुछ दिख रहा होगा, वो इंटीरियर वो एक मेंटेलिटी है पीपल की। देखिए, हम ये नहीं है कि हम कोई जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ के आए मेजोरिटी मुस्लिम से, अब हमने उनसे दोस्ती नहीं की, हमने उनके साथ इफ्तारी नहीं की, हमने उनके साथ खाना नहीं खाया, सब कुछ किया, मतलब साथ जाने से, पिकनिक मनाने से, मतलब पिकनिक्स पे जाने से, दोस्ती वगैरह करने से, हर चीज जो दोस्त करते हैं, लेकिन जो इंटीरियर या कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे सोच, लोगों की सोच होती है, मेन बात होती है लोगों की सोच, यहाँ पे भी ऐसे लोग की सोच है, ये नहीं होनी चाहिए, इंटीरियर में भी और ज्यादा सोच है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म, यहाँ एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक हो गया, ऐसे ऐसे तो कोई फेस एक्सट्रीमिज्म किया नहीं अभी तक हमने, ठीक हो गया, लेकिन यही चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे तो आपने बोला अफतारी भी करते हैं सब कुछ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है या मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी कि यहाँ पे बैठ के खाना नहीं साथ खा सकते हिंदू मुस्लिम, या मुस्लिम थोड़ा खाते हैं या खाते हैं या नहीं खाते, क्या कहेंगे? हमारे सारे दोस्त हम लोग साथ ही खा रहे होते हैं, मुस्लिम भी जी, जबरदस्त। यानी ये एजुकेशन का ये तो फर्क है कि जब आप एजुकेशन हासिल करते हो तो आपको आइडिया होता है कि भाई कोई इस तरीके से जो आप अगर फर्क रखते हो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन अगर बात करें अनएजुकेटेड लोगों की जिन्हों इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ एक मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं, इससे आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज खराब। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? जिब्रान। क्या? जिब्रान। जिब्रान, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, अच्छा, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मेरा बैचलर्स का तो यहीं का है, लेकिन मास्टर्स का अब्रॉड है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वो क्या प्लान है, पाकिस्तान में करेंगे या नहीं? जॉब का पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ स्किल बेस्ड पे तो ना आपको मेरिट बेस्ड पे मिलेगा, ना तो आपको स्किल बेस्ड पे कोई जॉब मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल मिल भी जाती है तो वो आपके लायक नहीं होती, मतलब आपके स्किल के हिसाब से आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही होती सर। जो आपकी डिग्री, जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन है या जो आपका टैलेंट है, उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलेगा, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, ना सैलरी मिलेगी, ना आपको मतलब एक तरह से टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, या तो बंदा जॉब कर ले या तो स्टडी कर ले। ठीक हो गया, आपका क्या नाम था भाई? विशेष। आप क्या करते हैं? मैं सर जैविस से अभी सीएस कर रहा हूँ। ठीक है, सीएस कर रहे हैं, ज़बरदस्त। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपना? सर फ्यूचर यही है जैसे बाकियों का है कि बैचलर्स यहाँ से और मास्टर्स बाहर से। जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब के हवाले से या बिजनेस अगर आपने करना है तो क्या फ्यूचर पाकिस्तान में करेंगे या बाहर? सर एज फार एज साइड हसल इज कंसर्न, मैं साइड हसल यहाँ पे करने का सोच रहा हूँ बैचलर्स के साथ, पर जॉब जो है वो तो प्योरली बाहर ही जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी बात है बाकियों की तरह मुझे भी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है कि आपको अपनी डिग्री के हिसाब से, अपनी आपकी जो जितनी स्किल्स होती हैं, जितनी क्वालिफिकेशन होती हैं, उसके हिसाब से आपको ऑब्वियसली
पैसे नहीं देते और ऐसे मतलब बहुत से मुश्किलात हैं और हालात हैं जिससे मतलब गुजरना पड़ता है। इससे अच्छा बंदा फ़ायदा नहीं है, बंदा बाहर ही जाके कर ले। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, माइनॉरिटी होने की वजह से आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा पाकिस्तान में या ओवरऑल फ्यूचर नहीं दिख रहा, ये चीज़ ज़रा क्लियर करिएगा सर। ओवरऑल सीधी बात है, मतलब कहीं कहीं है पर मेजॉरिटी जो है वो ओवरऑल का ये हाल है। बिकॉज आप किसी माइनॉरिटी की बात नहीं पर आप किसी मुसलमान किसी से भी आप किसी भी कम्युनिटी से जाके पूछ लेंगे हर, क्योंकि ये बोलेगा कि यहाँ का जो है फ्यूचर बहुत ही ख़राब है, हमारी हमारी जो पूरा मुल्क है वो पूरा डाउनफॉल पे गया हुआ है, लोन डिफॉल्ट होने की खबरें सुनते हैं हम, लोन्स में भरा पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन पूरी राइस पे, एक बंदा जो लाख से 60,000 महीने के कमा रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे सकता, बच्चों को क्या उनकी एजुकेशन नहीं बढ़ सकता, उनका दिन का खाना नहीं हो रहा, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही देख के मतलब अब हाल बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन एक इस चीज़ पे भी लास्ट में मैं पूछूंगा कि अगर हम जैसे लोग आप जैसे लोग बाहर चले जाएंगे फिर तो यहाँ से बिल्कुल एजुकेशन ख़त्म होती नज़र आएगी, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन अदारों को या गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि देखें ये देखें एजुकेटेड यूथ है और बड़ी एनर्जेटिक यूथ है, माइनॉरिटीज़ हैं खासतौर पर, ये जिस तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितने ऐसे कई लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, इवन डॉक्टर्स तक मेरे से कॉन्टैक्ट कर चुके हैं कि भाई हम जो उनसे सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं, हम यहाँ पे अपना जॉब के हवाले से सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, फ्यूचर के हवाले से सिक्योरिटी नहीं फील कर रहे, ये नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है, ये अगर बाहर जाएंगे शायद इनका फ्यूचर हमारे से कई गुना बेहतर हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का, इमेज किसका ख़राब होगा, पाकिस्तान का। मुझे बताएं आप पाकिस्तानी हैं, बस ये लास्ट में हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, अगर आप एजुकेटेड लोग या जो एजुकेशन हासिल अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं आप अगर बाहर चले जाएंगे, पीछे ऑलरेडी एजुकेशन इतनी नहीं है पाकिस्तान में, फिर तो फ्यूचर बिल्कुल डार्क नजर आ रहा है। वेल इफ यू लव पाकिस्तान कम बैक। अच्छा, आप वापस आएंगे? अगर आप एजुकेशन वहाँ लेके आ रहे हैं तो वापस आ जाएं, मुल्क को बेहतर करें। अगर आप पाकिस्तान से सच्ची में प्यार करते हैं, बाकी झंडे वाला प्यार तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि हम एक शायद आपने खबर सुनी है, हम एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त को, दुनिया का सबसे बड़ा जो परचम है जो फ्लैग है वो हम 40 करोड़ रुपया लगा के IMF से पैसे लेके जो हम वो ये करने जा रहे हैं। 40 करोड़ आप यूथ एम्पावरमेंट पे लगाएं, आप यूथ के बिजनेस पे लगाएं, यूथ आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ऐसे ही आप ऐसे ही लगाएं 40 करोड़। वो ये फ्लैग की जगह कई ऐसे हम रिकॉर्ड बना देंगे कि यूथ में जितनी पोटेंशियल है जितनी एनर्जी, आप यूथ में लगाएं पैसे, आप बुजुर्गों पे लगा रहे हैं जो 70-70 साल के कुर्सी पे बैठे हुए हैं MNMPA पे, अब यूथ को दें, अब यूथ को दें। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना में अभी उन्होंने रिसेंट पॉलिसी दी है कि जो फैक्ट्रीज है ना और जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं वो अपना जो थ्रोन है अपनी जो जादगीर है वो अपने बेटों में पास कर रहे हैं, यंग जनरेशन में पास कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज है सारी जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज है सारी यंग जनरेशन को जा रही है। वहाँ पे जो आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं वो 35 पर बन सकते हैं, 35 ऊपर नहीं बन सकते आप। अच्छा, यूथ चेंज कर रहे हैं, यूथ को आगे ले जा रहे हैं क्योंकि यूथ का माइंड फ्रेश होता है बिल्कुल। अब और हमारे यहाँ पे आप सब बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स के हवाले से खबर रखते होंगे, मुझे कोई एक पॉलिटिशियन का नाम बता दें जिसकी एज 35 से कम है, मतलब कोई एक जो आप कहें कि भाई ये नेशनल असेंबली में बैठा है, होंगे एक दो हैं PTI से एक दो हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मुझे बताएं। लोग जाते हैं फैमिली, अगर आपके अब्बा है पॉलिटिक्स तो बेटे को डालेगा नहीं, वो नहीं जो अपने दम पे आया हो कोई एक वो नाम। तो अभी नाम नहीं, इतना हमें भी नहीं पता, ऐसे ही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है, हम उन लोगों को अपनी असम्बलीज में बिठा के रखे हुए हैं जो शायद जो जदीद दौर है, दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी IT की तरफ जा रही है, जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये बॉर्डर वाली जंग वाली सोच छोड़ के इकॉनमी की जंग की तरफ जा रही है, शायद उन लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि आप तो इंडिया में रह गए हैं, आपसे सवाल इंडिया का किया जाएगा कि इंडियन पाकिस्तानियों को लेके, मतलब ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे पाकिस्तानी बैठा हूँ, ये लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूँ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ऐसे ही लेट सपोज इंडिया में मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आप एज ए इंडियन क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? बेसिकली ऐसा है कि मेरे दोस्त जो अभी भी कॉन्टेक्ट में मेरे साथ, वो भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछते हैं तुम्हारे मुल्क का क्या हाल चल रहा है, मतलब उनको पता है कि मुल्क क्राइसिस में चल रहा है, ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है अभी, मतलब बोले सुनने में आ रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये वो, बस उनको बस मुल्क की ज़्यादा फिक्र होती है हमसे ज़्यादा। ठीक है, ये देखे ना, ये मैं इस चीज़ की मैं भी गारंटी देता हूँ कि बहुत से लोग हैं, कहीं नो डाउट कोई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमें रिलेशन नहीं चाहिए, होंगे, लेकिन मेजोरिटी की अगर इंडियंस की बात करें वो कभी पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बुरा नहीं चाहते, पाकिस्तान के भी अगर आम आवाम की बात करें वो इंडिया का शायद बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या कुछ लोग जिनका खास तौर पर मीडिया जिनका काम ही लड़ाई से नफरतों से चलता है, तो वो एक वीडियो नहीं आती छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया, या बच्चों में
बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं, यही यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं। आप बच्चों को तमीजदारी दें, आप बच्चों को तमीज दें, आप बच्चों को सिखाएं कि ह्यूमैनिटी सिखाएं, ये भी सिखाएं, मैं कहता हूँ आप ये भी सिखा दें कि इंडिया से हमने मुकाबला करना है, लेकिन वो हमने करना है टेक्नोलॉजी में, वो हमने करना है आईटी में, वही कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन मेक्स यू थ्राइव, इट मेक्स यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। हेटेड पे आप आगे नहीं जा सकते, आप कॉम्पिटिशन पे। अच्छा, इंडिया की जो टेक्स्ट बुक है, खासतौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से, खासतौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो अच्छा। ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी, उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आम तौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती, और 47 के बाद वही हिस्ट्री, चार जंगें और ये हो गया, जुल्म हो गया, ये चीज़ें हैं, रात के अंधेरे में हमला कर दिया, ये प्रॉपर हमारी बुक्स में लिखा है। आपको वहाँ पे जो हीरो हैं, लेट्स सपोज आपको पूछा जाए, अगर बरसगीर के, अगर ये सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ की बात करें जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से हीरो का नाम आता है वहाँ की बुक्स में? हाँ हाँ, वहाँ की बुक्स में, वहाँ की बुक्स में मतलब जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? महात्मा गांधी हो गया, मोहम्मद अली जिना हो गया, अलामा इकबाल हो गए। अच्छा, ये वहाँ की बुक्स में बताया जाता है? मोहम्मद अली जिना का भी जिक्र है। ज़बरदस्त जी, बड़ी, मैं अगर ये वाकई सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वाकई हमारे यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ उनके किसी लीडर का जिक्र, तो आज तक कोई सुना नहीं। यहाँ पे भी गांधी का जिक्र होता है, नवारीलाल जेरू का, नवारीलाल क्या नाम है उसका, टू नेशन थ्योरी में ही होता है, वो टू नेशन थ्योरी में होता है, हीरोज़ में नहीं होता।